हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू ट्रैम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है भाई। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज का एक और सेशन लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। देखो भाई, जिन लोगों ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा वो फर्स्ट सेशन जरूर देख लें। ठीक है, नंबर सीरीज पे मैंने एक लेसन ऑलरेडी लिया हुआ है और काफ़ी उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाए हैं मैंने। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि नंबर सीरीज के चार पाँच क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नंबर सीरीज के चार पांच क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, सबको पता है कि चार या पांच क्वेश्चन नंबर सीरीज के हमको मिलते हैं। और इन चार पांच क्वेश्चंस में से तीन क्वेश्चन तक तो हर कोई कर लेता है, मतलब जो नॉर्मल एवरेज बच्चा है, जो एवरेज एस्पायरेंट है, वो अपना कर लेता है। ठीक है, दिक्कत किसको आती है? दो जो क्वेश्चन बच जाते हैं ना, उन दो क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है। तो उन दो क्वेश्चन को करने के लिए ही सारा दारोमदार है, और उसी के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया, मैं आज फिर से कह रहा हूं कि प्रैक्टिस इज मूल मंत्रा। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा जब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देखने चाहिए आपकी आंखों के सामने। जितने ज्यादा क्वेश्चंस दिखाई देंगे उतने अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे, ये बात मान लो मेरी आप। ठीक है, तो उसी के लिए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन डिजाइन किए हैं आप लोगों के लिए। ये सेकंड सेशन है, आज फिर से मैं रॉन्ग नंबर सीरीज ही लेकर आया हूँ, ये भी ध्यान रखना, ये भी रॉन्ग नंबर सीरीज है। और इसके आगे जो आएंगे वो उनमें मैं मिसिंग नंबर वाले ले आऊंगा, और फिर मिसलेनियस वाले भी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई, सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि भैया हमने अपना वो स्टार्ट कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स बाय ट्रैम्प मंत्रा के नाम से हमने स्टार्ट कर दिया है। आप हमें फेसबुक पे भी ट्रैम्प मंत्रा के नाम से सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22, 36, 54, 76, 102, 130, क्या आएगा आंसर इसका भाई? सभी लोग ट्राई करके बताओ पहले। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, पॉज करने के बाद अपना क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन से मैच करो क्या सही आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये देखो कि इनके बीच का डिफरेंस कैसा दिखाई दे रहा है हम लोगों को। डिफरेंस कैसा दिखाई दे रहा है? डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। डिफरेंस अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो क्या होगा? डिफरेंस करके चेक करो कितना आ रहा है इनके बीच का डिफरेंस। 14, समझ रहे हो बात को भाई? सभी लोग, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 18, इसके बीच का डिफरेंस कितना है चेक करो। 22, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 26, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 130, और इसके बीच का 28। आगे बात यहां तक समझ में नहीं आई, पहले बताओ तो आंसर कितना आ गया इसका? 130। देखते ही आंसर लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं करने के लिए, फिर भी बताते हैं एक बार, एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें। ठीक है, 14, 18, 22, 26, 28, क्या है इसका मतलब, क्या था सारा का सारा? देखो भाई, ध्यान से समझो। 14, 18, डिफरेंस कितना चल रहा है? 4 का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस कितना है? 4 का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 का। 4 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे आता 30, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एक्चुअल में 28, तो गलत हो गया। एक्चुअल में मेरा आंसर आता 132। हमारा जो आंसर बनता वो कितना बनता? 132, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 130। तो रॉन्ग जो नंबर है सीरीज के अंदर वो क्या है? 130 हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग के दो तीन क्वेश्चन ऐसे लिए हैं थोड़े हल्के लेवल के, आगे के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे मत सोचना कि बहुत सिंपल क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 107, 118, 131, 148, 168, 190। तो 107, 118, डिफरेंस 11, डिफरेंस 13, डिफरेंस 17, डिफरेंस 20, यहां पर डिफरेंस 22। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है? क्या आंसर आने वाला है? क्या ये आने वाला है? बिल्कुल यही आने वाला है, 168 इसका आंसर आएगा। रॉन्ग नंबर यही होगा इसमें, है क्यों, किस लिए है ये भी समझ लो। देखो भाई, 11, 13, 17, दीज आर प्राइम नंबर्स। कैसे हैं ये प्राइम नंबर्स? सभी जानते हो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनकी डिविजिबिलिटी या तो अपने आप से होती है या वन से होती है। सिंपल, ये ध्यान रखो, या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या वन से डिवाइड होते हैं, वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये अगला जो प्राइम नंबर इस सीरीज में आएगा वो आएगा 19। ठीक है, तो 19 अगर आएगा तो यहाँ पे 19 प्लस करने पर 167 मिलेगा, और अगला प्राइम नंबर होता है 19 से अगला 23, तो 67 प्लस 23 190 मिल जाता हमको। ठीक है,
तो रॉन्ग टर्म यहाँ पे जो हमको मिल रही है वो रॉन्ग टर्म हमारी कौन सी है, 168। आगे बात समझ में नहीं आई, रॉन्ग टर्म हमारी कौन सी है, 168। बड़े आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 17, 18, 34, 54, 68, 161। अब ये जो सीरीज होती है, ध्यान से मेरी बात सुनना क्या कह रहा हूं, ये जो सीरीज होती है इनको देखते ही अंदाजा लगाने कि जो आर्ट डेवलप होगी ना, वो आर्ट डेवलप होगी जब आप बहुत सारी सीरीज को अटेम्प्ट कर चुके होगे। जब तक आप सीरीज को अटेम्प्ट नहीं कर चुके होगे ना, तब तक ये आर्ट डेवलप नहीं होगी तुम्हारी कि तुम इसको देखते ही क्रैक कर दो। तुम कई तरीके सोच सकते हो अपने दिमाग में कि ये 17 से 18 जाना है, प्लस 1 होना है, यहाँ पे प्लस 16 होना है, यहाँ पे कुछ और प्लस 20 करोगे। बहुत सारी चीजें तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो, अरे यहाँ तो सिर्फ 14 ही रह गया। बहुत सारी चीजें तुम दिमाग में सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। करना क्या है तुम लोगों को, ध्यान से मेरी बात समझो, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा सीरीज को, ऑब्जर्व करके ही आंसर मार्क कर सकते हो। 17 दिखाई दे गया, 17 से 34 दिखाई दे गया, 34 से 68 दिखाई दे गया, 17 के ही मल्टीपल है। या तो ऐसे सोच लो कि 17 इंटू 2 है और 32 इंटू 2 है, ठीक है, तो अगली टर्म जो आती है वो 68 इंटू 2 करके आती है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपको क्या सोचनी है, दूसरी चीज आपको ये सोचनी है कि भाई ये 18 है और ये हमारा क्या है, 54 है, मल्टीप्लाई कितने का हो रखा है इनके बीच में, 3 का, तो 54 से मल्टीप्लाई बाई 3 करके आएगा नेक्स्ट टर्म, और मल्टीप्लाई बाई 3 अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 162। तो यहां इस केस में जो रॉन्ग टर्म बनेगी वो रॉन्ग टर्म हमारी क्या है, 161। तो हमारा आंसर इस केस का क्या जाएगा, 161। रॉन्ग टर्म क्या है इस केस में, 161, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहां तक सब सबको, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। मैं इतना धीमे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज, ध्यान देना मेरी बात, मैं धीमे धीमे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो यहाँ से, है ना। यहाँ पे हमारा ये ध्येय नहीं है कि मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि भाई यहाँ पे तुम एकदम टाइगर बन जाओ, एकदम स्पीडस्टर, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो अपने, फिर ट्राई करो क्वेश्चन, जितने ज्यादा ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा, अपने आप आएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो भाई क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 47, 54, 66, 80, 97, 112। जब ऐसी सीरीज दिखाई दे जिसमें का कोई ओर है ना छोर है, तो डिफरेंस चेक करो, पहला काम यही करते हैं, है ना, डिफरेंस चेक करना चाहिए। यहाँ डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 7, यहाँ चेक करो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस आ रहा है आपका 12, ठीक है। यहाँ डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, 66 और 80 का डिफरेंस कितना होता है, 14, ठीक है। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 17, यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। जब डिफरेंस भी उल्टा सीधा हो गया तो गड़बड़ कहीं ना कहीं यहीं पे है, गड़बड़ कहीं ना कहीं यहां पर है, क्योंकि देखो उम्मीद ये की जाती है कि भाई ये सीरीज बढ़ती हुई क्रम में होगी, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि जो हमारी नंबर सीरीज होती है वो हमेशा याद रखो एक पैटर्न फॉलो करती है, ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक पैटर्न फॉलो करती है हमारी नंबर जो सीरीज होती है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। तो अगर ये पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ बनाते हैं, ध्यान से समझो बात को थोड़ा सा। ये 7 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 7 क्या हो सकता है, 7 क्या होगा, 7 को क्या मैं 7 × 1 लिख सकता हूं क्या, ठीक है, और 12 को क्या 6 × 2 लिखा जा सकता है। तो अगर यहां की बात करूं तो यहां पे 5 × 3 होना चाहिए था, 7, 6, 5, 4, 3, समझे कुछ लोग, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आई कुछ बात समझ में सब लोगों की, अब आई कुछ बात समझ में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझो बात को, ये जो 14 भाई साहब आ रहे हैं ना, यहाँ पे 14 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 15, और यहाँ 15 अगर ऐड करोगे 66 में, अगर 15 ऐड करोगे तो यहाँ 80 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 81, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 80। रॉन्ग टर्म क्या है इसमें, 80। दूसरी चीज, अगर यहाँ 81 आ जाता और यहाँ पर क्या है 4 × 4, फिर यहाँ पे कितना ऐड करते हैं हम, 16 ऐड करते हैं, 17 ऐड नहीं करते, जैसे 16 ऐड करते हैं हमें 97 ही मिलता, और 97 में अगर 15 ऐड करते हैं तो हमें 112 ही मिलता। इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारा आंसर, इसमें रॉन्ग टर्म क्या आ रही है हमारी, 80। रॉन्ग टर्म हमारी क्या आ रही है इसके अंदर, 80 आ रही है, समझ गए सभी लोग इस चीज को। हाँ भाई एक बार और देख लो, 7 × 1, देखो ये इस तरह का पैटर्न बनेगा, 7, 12, 15, 16, 15, ऐसे करके जो पैटर्न बनते हैं उसका क्राइटेरिया होता है, 7 × 1, 6 × 2, 5 × 3, 4 × 4, ठीक है, समझ गए, 3 × 5, ऐसे करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है,
समझ गए सभी लोग इस चीज को? नहीं समझे? ठीक है, ये पैटर्न जो होते हैं ना, ये तभी ध्यान में आएंगे और जब ये हमारे सामने होंगे, ये जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसके ऊपर, है ना। धीमे धीमे समझने लगोगे सारी चीजें। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है? 301, 308, 628, 1899, 7610, व्हाट वुड बी द रॉन्ग टर्म? बताओ भाई, कोशिश करो सभी लोग, ट्राई करो। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, है ना, बिना ट्राई करे कुछ काम नहीं चलेगा। पर यहां पर एक चीज अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है कुछ। ये वन के आसपास का मल्टीप्लीकेशन है, ये टू के आसपास का मल्टीप्लीकेशन है, ये थ्री के आसपास का मल्टीप्लीकेशन है, ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो सब लोग? नहीं कर पा रहे। ये फोर के आसपास का मल्टीप्लीकेशन है, तीन से एक बार, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, छह ती 18, 18 चौके 72, कुछ इस तरह का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? लेकिन हो क्या रहा है साथ में, बस ये चीज चेक करो। यहाँ पे मल्टीप्लाई वन हो रहा है, प्लस सेवन हो रहा है, समझे? मल्टीप्लाई वन प्लस सेवन हो रहा है। अब 308 में टू से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 616। 616 में कितना मल्टीप्लाई टू हो रहा है, प्लस में 12 हो रहा है। यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में 15 होना चाहिए। याद करो ये पैटर्न, अभी बताया 7 12 15 16 15, ये पैटर्न समझ गए? 628 × 3 कितना होगा? 1884। कितना होगा? 1884। 1884 में अगर 15 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? इतना ही मिलेगा ना। तो मल्टीप्लाई बाई 3 + 15 हो रहा है, समझ गए? यहाँ पे 7 × 1 है, यहाँ पे 6 × 2 है, यहाँ पे क्या होगा? 5 × 3। समझ गए? वही पैटर्न बनने वाला है। तो अब रॉन्ग टर्म तो दिखाई देगा, यही आएगा, और कोई इसके अलावा कोई रॉन्ग टर्म बनेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि 1899 जो आएगा उसको तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 चौके 72 होते हैं और 9 चौके 36 होते हैं, यानी कि 19 चौके 76 होते हैं, तो 9596 करके कुछ आएगा। और उसमें मुझे प्लस करना होगा 16 को। क्यों? क्योंकि जो टर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, 4 + 16। 16 क्या होता है? 4 × 4 होता है, ठीक है? आंसर तो आ गया, आंसर तो 7610 रॉन्ग टर्म है इसमें, ठीक है? अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये 14 का डिफरेंस है, ये 14 का डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7612। कितना आ जाएगा? 7612। तो एग्जैक्ट आंसर जो होता तो वो कितना होता? 7612। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई होगी सब लोगों को ये बात, 7612 वुड बी द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, आ रही है सबको ये बात समझ में? तो देख पा रहे हो कुछ चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। पिछली बार मैंने समझाया था 7 12 15 16 15, ये वाला पैटर्न, समझ गए ना? 7 × 1, 6 × 2, 5 × 3, 4 × 4, 3 × 5, 2 × 6 आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात को? इस तरीके से पैटर्न बनाया है इन लोगों ने, ठीक है? तो आंसर वुड बी 7610, ये हमारी रॉन्ग टर्म होगी, ठीक है? चलो भाई बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है? 21 26 62 201 842 4445। जब इतने बड़े बड़े डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाए, जब इतने बड़े बड़े डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाए, तो समझ जाओ क्या है? मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। मल्टीप्लाई होगा और कुछ पैटर्न बनेगा, मल्टीप्लाई होगा और कुछ पैटर्न बनेगा, समझ रहे हो मेरी बात? मल्टीप्लाई होगा प्लस समथिंग और माइनस समथिंग और मे बी स्क्वेयर समथिंग और क्यूब समथिंग, ठीक है? यही सब होता है। अब इसको अगर मैं नोट कर पा रहा हूं तो बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 है कि नहीं है? मल्टीप्लाई बाई 1 + 5 है। इसको नोट कर पा रहे हो? मल्टीप्लाई बाई 2 + 10 है कि नहीं है? इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करना है? 62 आएगा यहाँ पे, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, प्लस 15 आना चाहिए। देखो ट्राई करके, 80 186, 186 में अगर 15 ऐड करोगे, क्या 201 मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, करेक्ट है भाई। तो ये क्या पैटर्न बनेगा? मल्टीप्लाई बाई 4 + 20 बनेगा यहाँ पे, तो क्या 20 बन रहा है? तो हमारा आंसर कितना आ गया? 842 वुड बी द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग टर्म। ये हमारी रॉन्ग टर्म होगी। क्या होगा यहाँ पे? ये आएगा हमारा 804 + 20 आएगा यहाँ पे, 824 आना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ से 824 को मल्टीप्लाई बाई करोगे आप, 5 + 25 करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई बाई 5 + 25 अगर मैं करूंगा तो देखो क्या मुझे मिलता है। 8 × 5 = 44,000 तो ये हो जाते हैं, और 24 × 5 = 120, 4120 तो ये मिल जाएंगे, + 25 अगर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4145 मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 842। यहाँ पे एक्चुअल में आना क्या चाहिए था? 824। करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पे? 824 अगर यहाँ पे आता तो हमारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 842। तो ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 842। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो भाई नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है? 1 3 12 48 400 6 4 3 2। अब देखो ये जो सीरीज है काफी लंबी सीरीज है यार, ये
ठीक है, काफी लंबी सीरीज है, और ऐसी सीरीज अगर पेपर में आती तो आसानी से क्लिक भी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज। और जो क्लिक कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे अगर इसको निकाल भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सीरीज है इतनी आसानी से क्लिक नहीं होगी, कुछ समझना है यहाँ पे, है ना, कुछ लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे डेवलप करना है, कुछ लर्निंग है आप लोगों के लिए अगर ये एग्जाम में आती है। और अगर आपको इसका लॉजिक जो है वो नहीं मिलता तो छोड़ दो, फिर लॉजिक नहीं मिलता तो फिर छोड़ दो, मे बी यू कैन गिव 30 और 40 सेकेंड, उससे ज्यादा अगर आप इसको दे रहे हो तो फिर 50 सेकेंड से ज्यादा अगर आप इसको दे रहे हो तो आप समझ लो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, आपको ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मैक्सिमम 30 40 सेकंड का टाइम देना चाहिए। 30 40 सेकंड में अगर क्लिक हो रही है तो आंसर क्लिक हो रहा है, अगर क्लिक नहीं हो रही है तो आंसर नहीं आएगा, ये बात फैक्ट है, समझ गए इस बात को। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा, क्या है भाई पैटर्न कैसे समझने होते हैं। तो कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है मल्टीप्लीकेशन का सा चल रहा है हिसाब किताब, क्या मल्टीप्लाई चल रहा है ये सोचना पड़ेगा। ये यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 से सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो बात ये। अब मुझे पहुंचना है 400 के आसपास 48 से, और फिर 400 से मुझे पहुंचना है 6430 के आसपास। एक तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई बाई 16 के आसपास की चीज कह रहा है ये, 16 चौके 64 होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे समझना, अगर ये 48 है, देखो 50 × 8 जो होता है वो 400 होता है, तो 48 में मल्टीप्लाई बाई 8 और समथिंग होगा तब जाके 400 बनेगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो अगर ये 16 है, ये 8 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको ये सीरीज पकड़नी चाहिए, कुछ इस तरीके से इन सीरीज को हमको पकड़ना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात सभी लोग। अगर समझ रहे हो तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो इस सेशन को, ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही है। और कुछ इस तरीके से पकड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मैं लास्ट से स्टार्ट मैंने क्यों किया, मुझे लास्ट में दिखाई दे रहा है, देखो 4 × 16 जो होता है वो 64 होता है, तो लास्ट में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, और लास्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है ना वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 400 × 16 करता हूं तो मुझे 6400 मिलता है, और 6400 में मैं प्लस कितना कर रहा हूँ, 32 प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है 32। आई कुछ बात समझ में सब लोगों के, 48 पे आ जाओ, 48 × 8 कितना होगा, 8 × 4 = 32, 320, 8 × 8 = 64 होते हैं, यानी कि 384 मिलेगा मुझे, 384 में 16 ऐड होके 400 आएगा, 48 × 8 + 16 आएगा तब 400 मिलेगा, समझ रहे हो मैम एंड सर प्लीज समझो बात को भाई सभी लोग, है ना। 48 × 8 कितना होगा, प्लस 16 किया कितना मिलेगा 400, 400 × 16 कितना, प्लस 32 हमने किया तो 6432, आई बात समझ में भाई सब लोगों के। तो मुझे कुछ ऐसी चीज यहां पे मिल रही है 12, तो यहां पे एक्चुअल में अगर ये 32 से 16 पहुंच रहा था तो 16 से यहाँ पे 8 आना चाहिए था, किसी चीज को मल्टीप्लाई करके 8 आए तो मेरा आंसर तो 12 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है 12, क्योंकि देखो 1 × 1 + 2 हो रहा है यहाँ पे 3 पे जाने के लिए, तो 3 × 2 + 4 होना चाहिए यहाँ पे। तो एक्चुअल में जो टर्म मुझे मिलेगी यहाँ पे मिलेगा मुझे 10, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा, 10 मिलेगा तो 10 × 4 = 40, 40 + 8 = 48 होंगे, 48 × 8 + 16 400 मिल जाएगा, 400 × 16 + 32 कितना मिल जाएगा 6432। तो अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो बच्चे तो आप लोगों को निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, मैम एंड सर मार्क माई वर्ड्स, अगर आप प्रैक्टिस करते हो नंबर सीरीज की तो आपको नंबर सीरीज में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, इट विल बी योर एसेट, आपका एसेट बन के रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा ये कि भाई हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा, कम से कम मैं 80% 90% चांस है कि पूरे करके आऊंगा, 10% मान सकता हूँ कि एक आध एक्सेप्शनल आ गई, ज्यादा ही एक्सेप्शनल आ गई तो मैं ना कर पाऊँ, लेकिन मैं नंबर सीरीज पूरी करके आऊंगा। सबसे हार्ड नंबर सीरीज आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में आती है, आरबीआई के जो एग्जाम होते हैं उनकी नंबर सीरीज बहुत ही अच्छे लेवल की आती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आप देखते हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपके सामने क्या होता है, एक सिचुएशन बन जाती है कि आपको पता होता है कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे इस तरीके से चलना है, जहां पर मुझे पैटर्न दिखाई दे मुझे वो चीज पकड़नी है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा, एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, ठीक है। इस सेशन में देखो छोटे छोटे सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है ना, और बहुत सारी नंबर सीरीज में आपको करवा दूंगा, आपको कहीं पे कुछ भी सोचने समझने की भागने की जरूरत नहीं है, सारी नंबर सीरीज डीआई के क्वेश्चन वगैरह सब यहीं पे होंगे, टेंशन नहीं है ना, बस आप लोग थोड़ा हमारे साथ सपोर्ट करिए हम लोगों को, ठीक। देखो भाई 43760 6720 सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ या तो डिवाइड हो रहा है, या इधर से देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से देखो तो डिवाइड हो रहा है, इधर से देखो तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है, ये हमको समझना होता है।
क्या समझ में आ रहा है? देखो मुझे एक चीज समझ में दिखा, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई 1/6 करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 160। तो क्या यहाँ पर 1/7 हो रखा है? चेक करके देखें, 6720 मल्टीप्लाई बाई 1/7 करके देखो तो तुम कितना आएगा, 6 7 में 68 होते हैं और 7 के 42 हो जाएगा, 960 आ जाएगा। करेक्ट है? इसका मतलब ये क्या होना चाहिए हमारा, 1/8 होना चाहिए इसका मतलब। इसको अगर ये 1/8 हो गया तो मेरा आंसर आ गया। तो ये कितना आ रहा है देखो चेक करके जरा, 5,3760 × 1/8, 8 6 48 होते हैं, बिल्कुल आ रहा है भाई, 6720 आ रहा है। तो फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1/5 आना चाहिए। तो 1/5 पे तो यहाँ 32 मिलेगा मुझे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 80। लॉन्ग टर्म क्या है इसके अंदर, 80 है। आई कुछ बात समझ में नहीं आई, 80 आएगी, 80 आ गया इसका आंसर। फिर भी चेक करके देखते हैं, अब 32 है तो यहाँ से 1/4 करना है ना, 1/4 करने पर 8 मिल जाएगा 32 को, 80 को 1/4 करने पर 8 नहीं मिलेगा। या फिर मैं इस सीरीज को दोबारा से देखो ध्यान से एक बात, और ये क्या था, 5,3760 है और 6720 है और 960 है, 160 था और 80 था और 8 था। मैं इस सीरीज को ऐसे भी लेके चल सकता था, इधर की साइड लेके, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो रखा था, 6 से, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होता, 5 से, ठीक है, सॉरी 7 से होता, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होता, 7 से मल्टीप्लाई हो रखा था, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होता, 8 से, 8 7 6, फिर यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो गया था और फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गया था, तो 8 6 32 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो ऐसे भी सीरीज को मैं लेके जा सकता था, मैं मतलब दोनों तरीके से सीरीज को सॉल्व कर सकता था, चाहे मैं आगे से लेके चलता, चाहे मैं बैकवर्ड जाता या फॉरवर्ड, इस तरीके मतलब लेफ्टवर्ड जाता या राइटवर्ड जाता, किसी भी डायरेक्शन से मैं जाता, मेरा आंसर आ जाता। समझ रहे हो इस बात को सभी लोग? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई, नहीं अभी और रह गए भाई क्वेश्चन, है ना, अभी रह गए क्वेश्चन, ठीक है, दो क्वेश्चन है अभी, करते हैं ट्राई। ये क्या है भाई, 80 120 300 1040 4725, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज दिख रही है, क्या तलाशना है इसमें, मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस, डिफरेंसेस जितने होते हैं, डिफरेंसेस बड़े बड़े होते जाते हैं, तो समझ जाओ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंसेस का खेल है सारा का सारा, जितने बड़े बड़े डिफरेंस होंगे आप समझ जाओ कि मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको हर सीरीज पे इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपको नंबर सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है। समझ रहे हो ना सब लोग? देखो ध्यान से, 18 to 120 कुछ नहीं, तो इतना तो आप जानते हो कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना तो आपको जानना पड़ेगा, अगर इतना नहीं जानते हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 80 और 120 का डिफरेंस अगर मैं लेके चलू, चलो मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करता हूँ, चलो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे डिफरेंस लेके चलता, सपोज करो मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूँ, यहाँ डिफरेंस 40 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 180 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस और बढ़ गया, फिर यहाँ डिफरेंस और बढ़ गया, यहाँ डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, समझ रहे हो इस बात को। अगर ये डिफरेंस इतना बढ़ता ही जा रहा है तो कुछ ना कुछ यहीं पे मुझे चेक करना पड़ेगा, इतने डिफरेंस से मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे मल्टीप्लाई तलाशना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये 1.5 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है? जी हाँ, 15 8 120 होते हैं, 15 × 8 120 होता है। अब 120 से 30 पे जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई 2.5 से होके आ सकता है, 25 × 12 कितना होता है, 300 होता है कि नहीं होता भाई? तो क्या ये 3.5 से मल्टीप्लाई होके आएगा, 35 × 3 105 होता है, तो ये टर्म मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अगर ये टर्म गड़बड़ है तो अभी पकड़ में आ जाएगी हमारे, ये 4.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये 5.5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब या तो आपकी चॉइस है, आप आगे करके देखो आंसर, तो अगर आपको मार्क करके आगे निकलना है तो 1040 इज रॉन्ग टर्म, आंसर तो 1040 आ गया, रॉन्ग टर्म हमारी 1040 आ गया, आंसर मार्क करने की बात जहां तक है बात, फिर भी आगे हम बढ़ते हैं, फिर भी हम थोड़ा सोचते हैं इसको, बस इसको एक बार ट्राई करके देख लो, अगर ये सही है तो फिर सही है अपना। तो 4725 मल्टीप्लाई बाई 5.5 है, तो जिनको 55 का मल्टीप्लीकेशन आता है दे कैन इजीली सॉल्व इट, बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ समझना ध्यान से। 55 × 4 क्या होता है, 50, अभी एक पल के लिए अभी डेसिमल भूल जाओ सभी लोग, एक पल के लिए डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ सब लोग, डेसिमल नहीं, क्या बता रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो। 55 × 4, 5 × 4 220 होगा कि नहीं होगा, ठीक है 220 होगा, ठीक है, और कितनी जीरो है, ये 3 जीरो है, ठीक है, ध्यान से। 55 × 7 कितना हो सकता है, 55 × 3 कितना होता है, 165 होता है, अरे हाँ के ना, और 220 इसमें ऐड कर देना, क्या
होगा ये 385 हो जाएगा, हाँ कि ना, बताओ जरा, सोचो समझो जल्दी बताओ, 385 हो जाएगा, 385, 385 आगे दो जीरो, 385 के आगे क्या हो जाएगा, दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 55 इंटू टू कितना होता है, 110, 110 हो जाएगा लेकिन एक जीरो और आ जाएगी, 55 इंटू फाइव, 5 5 25 होते हैं, 5 5 25 होते हैं, 275 हो जाते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट लगा देना यहाँ पे, बस देख लो 7 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन करने की थोड़ी सी ट्रिक्स बताने की कोशिश की है मैंने, 4725 को मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई है, 55 से मल्टीप्लाई की जगह 4 से मल्टीप्लाई करो पहले इसको, कितना आ जाएगा, 220, 2 0 3 0 और बढ़ा दो, 7 से मल्टीप्लाई करना था, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 220 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 165 आता है, तो 385 हो जाएगा, ये 385 00 हो जाता है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 110 हो जाएगा, 2 0 पड़ जाएंगे यहाँ पे, 55 इंटू 5 कितना होता है, 275 होता है, इसको ऐड कर लो, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता मल्टीप्लीकेशन का, आपको इसका कुछ और मिलेगा, है ना, मेरी बात समझ रहे हो सभी लोग ध्यान से, इससे आसान मल्टीप्लीकेशन का कोई तरीका मिलेगा मुझे नहीं लगता, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, क्या कह रहा है, 19 20 20 45, 129 520 2605, देखो 19 20 45 डिफरेंस चेक करो बस, बड़े बड़े डिफरेंस होते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े डिफरेंस जैसे समझ में आ जाए समझ जाओ मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का कुछ पैटर्न बनेगा, समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरीके से पकड़ना आ जाएगा आपको, है ना। तो देखते हैं एक बार ट्राई करके क्या हो रहा है, इंटू 1 + 1 हो रहा है क्या, यहाँ पे कितना हो रहा है, इंटू 2 + 5, ओके देखो अगर ये 2 + 5 हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, चेक करके देखते हैं, क्योंकि 1 × 1 है तो 1 × 4 4 होता तो हो सकता था, फिर भी चेक करके देखते हैं, 45 है, 45 से ये 2 टाइम्स था, ये कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, प्लस क्या होगा, 45 × 3 होता है 135, ओके 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 ओके, तो गड़बड़ तो यहाँ पे लग रही है मेरे को, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, फिर भी यहाँ पे चेक करके देख लो, 3 होगा यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा हमको कितना मिलेगा, प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमने यहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी, यहीं पे गड़बड़ है, अगर ये यहीं से स्टार्टिंग सही होती तो सही होता है, पीछे से मुझे नहीं लगता गड़बड़ है, क्योंकि 520 × 5 कितना होता है, 2600 होता है, ठीक है, 2600 में प्लस 5 हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहां से गड़बड़ स्टार्ट हुई है, अगर यहां से गड़बड़ स्टार्ट हुई है तो उसको चेक करके हम देखते हैं अभी, तो अगर यहाँ पे से गड़बड़ स्टार्ट हुई है तो 20 × 2 40 होते हैं, 40 + 4 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 44, ठीक है। तो 44 में अगर 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ओके 3 से, मुझे मिलेगा 132, ठीक है, 132, 132 प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, ओके कुछ और ही है फिर तो इसका भाई चक्कर सारा, कुछ और चक्कर है, चेक करके देखते हैं, 12 × 4 = 48 हो गए, 480 और 9 × 4 = 36 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना मिलेगा, 6 516 + 4 हो रहा है, यहाँ पे 516 + 4 हो रहा है, यहाँ पे मुझे जहां तक लग रहा है, देखो एक सेकंड दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं, पैटर्न सही नहीं मिला इसका मुझे, ठीक है दोबारा करते हैं इसको ट्राई, नाइनटीन इंटू 19 20 45, 129, 4 520, 2605, यहां तक हमको जाना है, चेक करते हैं दोबारा से, है ना, ओके क्या आएगा भाई देखते हैं, इसमें चलो भाई क्या है ये, 19 19 से 20 जा रहे हैं हम, तो मुझे जो लगता है मल्टीप्लाई 1 + 1 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 + 5 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 3 तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हो रहा है तो फिर मल्टीप्लाई बाई 3 के साथ में तो 135 मिलता है मुझे, 135 - 6 हो जाएगा फिर तो ये, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, लॉन्ग टर्म तो ये 45 ही लग रही है, ठीक है, फिर भी एग्जैक्ट निकालने की हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा, है ना, ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा, अच्छा है देखो क्वेश्चन, फंसा भी रहा है हमको थोड़ा सा,
देखते हैं क्या आएगा। देखो 520 है यहाँ पे और यहाँ पे 2605 है। यहाँ तो मल्टीप्लाई 5 का हो रहा है ये दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 का हो रहा है दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 का होना चाहिए था। अगर मल्टीप्लाई बाई 3 का यहाँ पे कुछ होके यहाँ पे सही आता तो मैं मान सकता था, मेरा आंसर तो यही आएगा 45 ही है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो नहीं बन रही है ये वाली, कुछ इस तरीके की भी रॉन्ग नंबर सीरीज आती है जिसमें एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बनता है। फिर भी जिसको कोई एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाए तो उसका मुझे बता देना। अगर मुझे क्या लगता है, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि अगर ये वन ये यहाँ पे ये इस तरीके का होता तो यहाँ पर अगर सपोज करो मैं 2 ऐड करता, मल्टीप्लाई बाई 2+2 करता मैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 42 मिलता। समझना ध्यान से, 42 में मल्टीप्लाई बाई 3+3 करता मैं तो मुझे मिलता कितना, 129। 129 में मल्टीप्लाई बाई 4+4 करता, मल्टीप्लाई बाई 5+5 करता तो मुझे ये मिल जाता। तो इस तरह का ये पैटर्न बन रहा है जिसमें क्या हो रहा है, 1 × 1 2 × 2+2 हो रहा है, × 3+3 होगा, तो आंसर तो अपना कितना आने वाला है, 45। आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसका, 45 आ जाएगा। समझ गए इस बात को सभी लोग, नहीं समझे, ठीक है। चलो तो भाई अगर आप ये बात समझ गए हो तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेलीग्राम ग्रुप आप सब लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है, मैथ्स के अच्छे क्वेश्चन इस पर हम डाला करेंगे। दूसरा मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, है ना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना उसको। और दूसरी चीज, यहाँ पे भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो हमारे ट्रेन मंत्रा को, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रेन मंत्रा। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।